यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वही रोहतांग दर्रे पर पड़ी बर्फ को हटाने के लिए बीआरओ ने हामी भर दी है। बर्फ हटाने का काम शुरू भी कर दिया गया है। लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली में सैकड़ों लोगों के फंस जाने के बाद जहां लाहौल के लोगों ने रोहतांग बहाली के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया था, तो वहीं कुछ युवा बुधवार को खुद ही लाहौल से रोहतांग दर्रे की बर्फ हटाने के साजो सामान लेकर दर्रे के पास पहुंच गए थे। लगातार लोगों के बढ़ रखे दबाव और साथ ही राज्य सरकार की दखल के बाद बीआरओ ने रोहतांग दर्रे को एक बार फिर से बहाल करने की हामी भर दी है, मंजूरी दे दी है। जिला उपायुक्त लाहौल स्पीति अश्विनी कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। उनका कहना है कि नवम्बर महीने के शुरुआती दौर में अचानक बर्फबारी होने से रोहतांग दर्रे पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। सैकड़ों लोग घाटी और साथ ही कुल्लू मनाली में फंसे के ये सूचना है और साथ ही जिला उपायुक्त की ओर से बताया गया कि बीआरओ से इस दौरान इमरजेंसी के तौर पर रोहतांग दर्रे से लोगों की आवाजाही करवाने की मांग की गई थी और लाहौल स्पीति के विधायक और साथ ही कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने इस दौरान बड़ी भूमिका अदा की है। रोहतांग दर्रे से सैकड़ों लोगों को आर पार करवाया गया है और बीआरओ के उच्च अधिकारियों से भी बैठक कर दर्रे की बहाली के लिए योजना बनाई गई है। तो यहां बता दें कि बीआरओ ने पहले रोहतांग दर्रे की बहाली करने से मना कर दिया था। बीआरओ का पक्ष था कि 15 नवंबर से रोहतांग दर्रे को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया जाता है और इस बार नवंबर महीने के शुरुआती दौर में ही चूंकि बर्फबारी शुरू हुई, रोहतांग दर्रे पर भारी हिमपात हुआ, ऐसे में दर्रे को बहाल करने में बीआरओ ने अपनी असमर्थता जाहिर की थी और लिहाजा सरकार ने दखल दिया और उसके बाद बीआरओ माना और दो दिन में रोहतांग दर्रे को बहाल करने की बात कही गई है बीआरओ की ओर से।